भारत और श्रीलंका के बीच वनडे की श्रृंखला, जी हाँ दोस्तों, कल से शुरू हो रही है वनडे की श्रृंखला। ऐसे में रोहित शर्मा का प्रेस कॉन्फ्रेंस और पूछे गए उनसे काफी तीखे सवाल और कैसे दिया उन्होंने बेबाकी से जवाब, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और शुरुआत करेंगे सबसे पहले गौतम गंभीर पर पूछे गए सवाल से। जी हाँ, उनसे पूछा गया कि गौतम गंभीर के बारे में आपकी क्या राय है, किस तरह से वो सोचते हैं और कैसा आप महसूस कर रहे हैं उनके साथ जुड़कर। देखिए, सबसे पहले उन्होंने बताया कि गौतम गंभीर अपने आप में बहुत बड़े प्लेयर हैं, इंडिया के लिए उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और साथ ही साथ आईपीएल में दो बार उन्होंने अपनी टीम को चैंपियन बनाया है, कई फ्रेंचाइजी के साथ उन्होंने काम किया है। और इससे पहले जो अभी रिसेंटली आईपीएल हुआ था, जिस टीम ने आईपीएल का खिताब जीता उस टीम की वो मेंटोर थे। ऐसे में उन्होंने गौतम गंभीर के पुल बांध दिए, यानी कि उनकी तारीफ में समा बांध दिया, बहुत ही अच्छे शब्दों से उनको नवाजा गया और कह रहे हैं बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं उनके साथ जुड़कर। और देखने वाली बात होगी कि ये वनडे श्रृंखला कैसे जाती है। साथ ही साथ जो दूसरा सवाल उनसे पूछा गया दोस्तों, ये चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पूछा गया। चैंपियंस ट्रॉफी ये पाकिस्तान में आयोजित होगी अगले साल 2025 में, और ये जब होगी आयोजित तो ये बहुत दूर का विषय है। जब उनसे पूछा गया कि ये जो श्रृंखला होने जा रही है तीन मैचों की, आप कैसे देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के साथ जोड़कर, तब उन्होंने बताया कि देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी बहुत दूर है, अभी हम फोकस कर रहे हैं श्रीलंका के साथ होने वाले मैच पर, और मात्र हमारे लिए ये एक इंटरनेशनल सीरीज है और हम इसे जीतना चाहेंगे, और फिलहाल हमारा ध्यान इस श्रृंखला पे है कि कैसे हम उसको खेले और कितना अच्छा करें और इस मैच को जीते, उसके बाद जो है हम सोचेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। साथ ही साथ एक पत्रकार ने उनसे ये और भी तीखा सवाल पूछ लिया, केएल राहुल और ऋषभ पंत के बारे में। दोस्तों, केएल राहुल और ऋषभ पंत के बारे में सवाल जब पूछा गया तो बड़े मुस्कुराए वो। उसका एक कारण था क्योंकि केएल राहुल काफी अरसे के बाद जुड़ रहे हैं, वर्ल्ड कप खेला था उन्होंने एक दिवसीय मुकाबले का, उसके बाद वो जुड़ रहे हैं। हालांकि ऋषभ पंत भी आप देखें तो पिछले एक साल के बाद उन्होंने टीम का दामन थामा है, पहले उन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेला, अब ODI में शामिल किए गए हैं। तो ऐसे में उनसे पूछा गया कि क्या केएल राहुल या ऋषभ पंत टीम में होंगे एक साल। उन्होंने बताया, देखिए दोनों बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, दोनों मैच विनर हैं, दोनों के पास अच्छी क्वालिटी है, ये जज करना थोड़ा सा मुश्किल है कौन से खिलाड़ी होंगे अंदर या बाहर, लेकिन टीम के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से टीम में शामिल किया जाता है। ऐसे में केएल राहुल के बारे में उन्होंने बताया कि उनके लिए जो वर्ल्ड कप था वो बहुत अच्छा गया था, इनफैक्ट अगर फाइनल मैच को छोड़ दें तो केएल राहुल ने उस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, और उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत भी एक जुझारू खिलाड़ी हैं। दोस्तों, आखिरी जो सवाल था वो कैप्टन सूर्य कुमार यादव के बारे में था। जी हाँ, T20 के नए कप्तान बने हैं सूर्य कुमार यादव, और काफी अच्छी बनती भी है अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा से, क्योंकि एक ही फ्रेंचाइजी के लिए खेले हैं, मुंबई से आते हैं। तो ये उन्होंने जब जवाब दिया तो बड़े ही फिर से मुस्कुराया उन्होंने, कारण एक जरूर था क्योंकि सूर्या जो अभी भी T20 के कप्तान बने हैं और तीनों ही मैच जीता है उन्होंने, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, इतना जल्दी जज करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आप कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, तो अभी आपको मौका देना चाहिए। बिल्कुल सही सवाल था और सही जवाब भी, क्योंकि आप जब दो तीन श्रृंखलाएं खेलते हैं फिर वहां से प्रदर्शन का जो है समीकरण बनता है, क्या कुछ चीजें कमियां रहती हैं, क्या कुछ सुधार किया जा सकता है। ऐसे में उन्होंने इस सवाल से बचने की कोशिश की, और हालांकि सूर्या को उन्होंने एक बेहतरीन खिलाड़ी जरूर बताया लेकिन कप्तानी पर यह जरूर कहा कि अभी जज करना थोड़ा सा मुश्किल है। और अंत में जब उनसे पूछा गया कि T20 वर्ल्ड कप के आप विजेता टीम के कैप्टन रहे, कैसा फील कर रहे हैं, काफी लंबा ब्रेक मिला, तो उन्होंने बड़े ही सादगी से कहा कि जी हाँ, अच्छा फील कर रहा हूँ, पूरा इंडिया अच्छा फील कर रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये श्रृंखला बहुत अच्छी जाएगी। तो ये रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा की बातें, कैसी लगी ये वीडियो जरूर हमें बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।